आज का हमारा कंटेंट है टाइप्स ऑफ डोर्स। ठीक, तो टाइप्स ऑफ डोर्स में जो हमारा टॉपिक है आज का वो टाइप्स ऑफ डोर्स है। तो टाइप्स ऑफ डोर्स में सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी, टेक्निकल टर्म्स क्या यूज़ होती है डोर्स के अंदर, टाइप्स ऑफ डोर मोमेंट कितने टाइप के होते हैं, मटेरियल कौन कौन से यूज़ कर सकते हम, लोकेशन ऑफ डोर्स क्या, किस किस लोकेशन में वो डोर्स लगाने चाहिए, डोर फ्रेम क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर। फैक्टर में सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए हमको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, वेदर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, इजी फॉर द मेंटेनेंस, साउंड प्रूफ एबिलिटी, थर्मल कंफर्ट, एक्सीलेंट अपीयरेंस, एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स। ओके, तो सबसे पहले हमको स्ट्रेंथ देखना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या रहेगी, ड्यूरेबिलिटी हमको डोर की देखना चाहिए, कॉस्ट इकोनॉमी है या नहीं है, वेदर रेजिस्टेंस है, अगर आप वेदर फ्रेम लगा रहे हैं जैसे इन द सेंस कि अगर आउटर फ्रेम में आप लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस टाइप की वुड यूज़ कर रहे हैं, आप इनर फ्रेम में किस टाइप की यूज़ कर रहे हैं, आप बाथरूम वगैरह में कौन सा यूज़ कर रहे हैं। फायर रेजिस्टेंस अगर डोर रहेंगे तो फायर में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कम्बशनेबल एरिया में आप लगा रहे हैं जहाँ पर आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर आप उस टाइप का डोर चॉइस करें। ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आना चाहिए डोर्स वगैरह में। साउंड प्रूफ एबिलिटी में अगर आप ऑडी वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो उसको साउंड प्रूफ बनाने के लिए डोर्स जो रहते हैं वो यूज़ करें ताकि जो ऑडिटोरियम का जो इफेक्ट्स है वो इन से आउट डिफरेंस आ जाए थोड़ा बहुत। थर्मल कंफर्ट डोर्स में अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करनी है जैसे कि आपको कोल्ड स्टोरेज वगैरह में यूज़ करना हो तो उसका टेम्परेचर एज इट इज़ मेंटेन रहे तो इस टाइप के डोर्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एक्सीलेंट अपीरियंस, अपीरियंस के हिसाब से जैसे आप इनर आउटर में जो डिफरेंस रहेगा वो आप उस तरह से डिफरेंस मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डोर, स्टैंडर्ड डोर की बात है, डोर शुड हैव सफिशेंट स्पेस टू टेक रिक्वायर्ड लार्ज ऑब्जेक्ट टू द रूम। ठीक है, मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर पब्लिक बिल्डिंग एक्सटर्नल बाउंड्री वॉल 8 to 13 feet, मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर पब्लिक बिल्डिंग एक्सटर्नल मेन डोर 4 feet, मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर पब्लिक बिल्डिंग इंटरनल डोर्स 3 feet, विड्थ ऑफ डोर लीडिंग टू बाथ रूम्स शुड बी अराउंड 2 feet 6 inch एंड हाइट ऑफ द डोर शुड बी 7 feet। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशंस है हमारे जिसमें हमको जिस तरह से कोई बिल्डिंग अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको ये बेसिक डायमेंशन हमको ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो है जो आउटर पेरिफेरी वाला है वो होना चाहिए जो 8 to 13 feet, डिपेंड ऑन दियर बाउंड्री वॉल कंडीशंस। अगर प्लॉट बड़ा रहेगा तो आप 13 फीट भी दे सकते हैं और प्लॉट साइज छोटा है तो 8 फीट मिनिमम मैं रिकमेंड करूँ कि कार पार्किंग के लिए मिनिमम 8 फीट की आपको स्पेस सही चाहिएगी अगर आप कोई कार इन और आउट कर रहे हैं। मेन डोर 4 फीट का रखिए क्योंकि मेन डोर से पूरा पूरा घर का जितना भी सामान रहता है जो भी बड़े सामान रहता है वो मेन डोर से ही थ्रू बाहर और अंदर कर सकते हैं हम लोग। तो मेन डोर आपको 4 फीट का रखना पड़ेगा और मिनिमम रिकमेंड इंटरनल डोर्स आप 3 फीट रख सकते हैं या 3.5 फीट के रख सकते हैं। विड्थ जो रहेगी आपकी टू जो विड्थ रहेगी अराउंड बाथरूम के डोर्स रहेगी वो रहेगी आपकी 2.5 फीट के आसपास की। आप चाहे तो 2 फीट 9 इंच भी रख सकते हैं, 3 फीट भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन साइज है। तो मिनिमम ये रिक्वायरमेंट इतनी है। अब मैक्सिमम डिपेंड ऑन डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं जो इंटीरियर है जो आर्किटेक्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। फिर टेक्निकल टर्म्स जो डोर्स में यूज होती है, फ्रेम, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वुडन मेंबर टू सपोर्ट द डोर। ठीक है, ये फ्रेम जो रहते हैं ये वुडन सपोर्ट से कनेक्ट रहते हैं। स्टाइल, इट इज एक्सटर्नल वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर। टॉप, इट इज़ अ टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर। ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रल लॉक रेल, इट इज़ अ सेंट्रल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर। बॉटम रेल, इट इज़ द लोवेस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर। शटर मीन्स एक पार्ट है पूरी स्ट्रक्चर का जो इस तरह से रहेगा जिस फ्रेम रहती है। शटर्स क्या होती है, द कंप्लीट असेंबली ऑफ द स्टाइल पैनल एंड रेल्स इज नोन एज शटर। पैनल्स क्या, इट इज़ द एनक्लोज एरिया बिटवीन द रोल रेल्स। तो ठीक है, पैनल्स वो रहेंगे जो रेल्स के बीच में रहेंगे। ये बताता हूँ मैं आगे पिक्चराइजेशन स्पेस, इट इज़ द फ्रेम मेड ऑफ लाइट सेक्शन एंड यूज इन आयरन फिक्सिंग द ग्लास इन द पैनल। मुलियंस, इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू अ शटर और फ्रेम। ठीक है,
लोअर्स, ये जो यूज़ होते हैं लोअर्स वगैरह, आप अपनी विंडोज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। हॉर्न्स, लोअर्स इन द सेंस की लोअर इज़ ए टिम्बर पीस विच अटैच इन इंक्लाइन पोर्शन। जो इंक्लाइन अगर डोर्स बनाने हैं आपको, फ्रेम्स बनानी है, तो उसमें आप ये यूज़ करेंगे। हॉर्न, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और हेड और सिल बियॉन्ड द फेस ऑफ द डोर्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है जो सील के बियॉन्ड में रहता है। ठीक है, होल पास जो रहते हैं ये आपके लगभग 4 इंच 6 इंच के रहते हैं, और ये यूज़ होते हैं डोर फ्रेम को अटैच करने के लिए। ठीक, सील द बॉटम पार्ट ऑफ द फ्रेम जो रहता है, जेम द वर्टिकल मेंबर्स, स्प्रेड मेंबर्स होते हैं, जेम्स होते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म, इट इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज डिवाइड द डोर और विंडो फ्रेम इंटू सेवरल पैनल्स। ठीक है, रिवेट इज अ डिप्रेशन कट इन द फ्रेम टू अकोमोडेट डोर्स। देखिए टाइप्स ऑफ डोर में पहले स्विंग डोर देखेंगे हम। स्विंग डोर जिससे होते हैं, ये सिंगल स्विंग रहता है जो इन और आउट, ये बेसिकली हम लोग सिनेमा हॉल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप रेजिडेंशियल में भी कर सकते हैं, पर ये डबल डोर्स वाले जो डोर्स होते हैं सिनेमा हॉल्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक, रिवॉल्विंग डोर्स, ये हम लोग पार्क्स वगैरह में देखते हैं। दिस टाइप ऑफ डोर्स हैंग ऑन सेंट्रल पिवॉट। ठीक है, इसमें एक पिवॉट रहता है, सब हैंग करते हैं एंड कैन बी रोटेट। ये अपने 360 रिवॉल्वेशन में ये यूज हो सकता है। स्लाइडिंग डोर्स, स्लाइडिंग डोर्स बेसिकली वहाँ यूज होते हैं जहाँ आपकी स्पेस कम रहती है डोर्स को बंद करने के लिए, तो वहाँ पर आप स्लाइडिंग डोर्स यूज करेंगे। तो बेसिकली ये डोर्स गैराज वगैरह में यूज होते हैं, वर्कशॉप में यूज होते हैं, गोडाउन में यूज होते हैं, शॉप्स वगैरह में यूज होते हैं। फोल्डिंग डोर्स, ये फोल्ड हो जाते हैं। ये फोल्डिंग डोर्स वहाँ यूज होते हैं जहाँ आपकी लेंथ ज़्यादा हो, लेंथ ज़्यादा हो विंडोज डोर्स वगैरह की, तो आप इन डोर को आप फोल्ड कर लें और उसके बाद आप इसमें अपनी बिल्डिंग वगैरह में इसको लगा सकते हैं। रोलिंग शटर, शटर जो है, तो शटर बेसिकली ये गैराज वगैरह में, शॉप्स वगैरह में शटर यूज होती है। द रोलिंग शटर, रोलर डोर और सेक्शनल ओवरहेड इज ए टाइप ऑफ विंडो शटर एंड कंसिस्ट ऑफ 100 स्लैट्स। ठीक है, टिम्बर, हम जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं मेन मटेरियल ऑफ डोर कंस्ट्रक्शन में आएगा टिम्बर। ठीक है, वाइडली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिफर टिम्बर बिकॉज ऑफ अपीरियंस एंड इजी टू मैक। ठीक है, डोर्स कैन बी कंस्ट्रक्ट विद सॉलिड प्लांक्स और टिम्बर पीस टू इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ अ डोर। वेरियस प्रिवेंशन आर एडेड टिम्बर सीजनिंग। ठीक है, तो सीजनिंग दो टाइप से की जाती है, जैसे हमको पता है आर्टिफिशियल सीजनिंग एंड नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग में आप क्या रहेगा, जो आप अपना वुड लेके आए उसको आप नेचुरल सनलाइट में रख दीजिए, तो उस हिसाब से वो नेचुरल सीजनिंग में आ जाएगा। और बहुत सारे टर्मनाइट्स वगैरह भी लगाते हैं टिम्बर के ऊपर, ताकि उस पर इसके आपके फंगल इन्फेक्शन ना आए उसके ऊपर, और टर्माइट उस पर ना बैठे, दीमक ना आए, ताकि आपका वुड खराब ना हो। प्लाईवुड, प्लाईवुड इज वेरी यूजफुल इन फ्लश डोर, सभी को पता है। ये बेसिकली 18 इंच 12 इंच वगैरह में यूज होता है। इट टेक्स गुड पॉलिश एंड प्रोवाइड स्मूथ एंड प्लेन अपीरियंस। ठीक है, ये अच्छा अपीरियंस प्रोवाइड करता है, और दिखने में भी ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी रहती है। ग्लास, ग्लास पैनल्स भी रहते हैं। अब जैसे टिम्बर हो गया, प्लाईवुड्स हो गया, ग्लास बना, ग्लास पैनल्स प्लीज आर फिक्स्ड इन अ डोर पैनल टू एडमिट लाइट इनसाइड द रूम। लार्ज ओपनिंग पीटेड इन डोर्स विथ थिक पैनल्स। ठीक है, ये फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं, बीटेड ग्लास हो सकते हैं, या रिप्ड ग्लास हो सकते हैं, ये डिपेंड ऑन योर कंडीशन ऑफ क्लाइंट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। मेटल डोर्स होते हैं, ये मेटल डोर्स बेसिकली हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं, और ये किस तरह के होते हैं, स्टील मेटल, स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम डोर हो सकते हैं। आर वाइडली यूज टू ड्यू द प्लीजिंग अपीरियंस, इफ प्रॉपरली मेंटेन द लाइफ इज वेरी लॉन्ग। होलो मेटल डोर फैब्रिकेटेड ऑफ मेटल फ्रेम कवर्ड विद अ मेटल शीट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड लाइफ एंड फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉन्क्रीट की बात की जाए तो कॉन्क्रीट डोर्स वगैरह जो होते हैं, रेनफोर्स, ये हम लोग जो सीवेज लगते हैं तो उसके ऊपर जो हम ढक्कन इसको बोल सकते हैं, तो वहाँ पर ही बेसिकली यूज़ होते हैं, या आपको आपको जहाँ पर फंगस ज़्यादा आ रहा हो तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं डोर। ठीक, लोकेशन ऑफ अ डोर, अब लोकेशन ऑफ अ डोर कैसे डिसाइड करना है आपको ये बताता हूँ। फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ एडिक्वेट एयर सर्कुलेशन विद इन रूम, द डोर शुड बी प्रोवाइड इन अपोजिट वॉल फेसिंग ईच अदर। ठीक है, प्रॉपर सर्कुलेशन चाहिए आपको बिल्डिंग में, तो आपको
ऐसी जगह हमको प्लेस करना है कि ताकि क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर मिले और जितना भी ऑर्डर जो आ रहा है रूम के अंदर वो क्लियर हो जाए। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर स्पेस एंड प्राइवेसी डोर शुड बी एज पॉसिबल हो गए नियर द कॉर्नर ऑफ द रूम। सेंटर में एक्चुअली हम प्रिफर ना करें बेड इसको डोर को, क्योंकि कुछ बेड्स वगैरह लगाते हैं हम लोग तो थोड़ी हमारी प्राइवेसी उसमें इफेक्ट आती है। या डो आप हॉल में लगा रहे हैं तो भी कॉर्नर्स पे लगा कर चलें उसको। द लोकेशन ऑफ द डोर शुड बी मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम। जो जैसे ऐसा नहीं है कि आप बेडरूम में आप रिवॉल्विंग डोर लगा रहे हैं, मतलब जिस तरह का आप डोर लगा रहे हैं उस रूम की फंक्शनलिटी भी उसमें प्रूव होना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ डोर इन अ स्मॉल शुड बी केप्ट मिनिमम टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। लार्ज नंबर ऑफ डोर्स बिसाइड कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन कंज्यूम मोर एरिया इन सर्कुलेशन। नेक्स्ट डोर फ्रेम, अब जो मैंने बताया था कि क्या क्या होते हैं डोर फ्रेम में। डोर फ्रेम इज मेड अप ऑफ टू वर्टिकल मेंबर्स, दिस वन वन एंड टू, ठीक। इसको नोन एज जैम्स और पोस्ट, इसको हम बोलते हैं जैम, ये रहेगा आपका जैम और पोस्ट। एंड एंड फ्लैट मेंबर कनेक्टिंग द जैम्स एट टॉप इज कॉल्ड हेड, ये आपका रहेगा हेड, ये जो पार्ट रहेगा इसका हेड रहेगा। द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ जैम एंड द हेड आर नॉर्मली केप्ट सेम, ठीक है। इन इसका जो क्रॉस, जैसे मान लो ये 2 इंच दिया है आपने तो इसको भी 2 इंच देना पड़ेगा, ये 4 इंच दिया है तो इसको भी आपको 4 इंच देना पड़ेगा। द साइज ऑफ डोर फ्रेम इज वर्क आउट अलाउ आफ्टर अलाउइंग क्लियरेंस ऑफ 5 mm, ठीक है, अराउंड कन्वीनियंस ऑफ आपको 5 mm का इसमें टॉलरेंस रखना है। ये एक डोर का पिक्चर है मेरे पास, उसमें बेसिक सब कंपोनेंट्स बता रखा है। ये बॉटम रेल हो गई आपकी, ये टॉप रेल्स आ गई, ग्लास पैनल्स आ गए, ये ट्यूबल लॉक आ गया, डबल डबल डोर आ गया, लॉक रेल हो गई, लॉक साइट हो गई, ग्लास पैनल्स हो गए, हिंजेस हो गए, ये हिंजेस हो गए, ये जैम्स हो गई जो वर्टिकल मेंबर्स हो गया, यहाँ पर जैम्स हो गई, ये कैसिंग हो गई है जो उसके टॉप हो। आजकल ये कैसिंग हमारी प्लाईवुड की चलती है पूरी, बेसिकली कैसिंग रहती है। ये म्यूलिंस हो गए, ये जो पार्ट रहता है ये म्यूलिंस वाला रहता है, ठीक है। थ्रेश होल्ड हो गया, ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स है। इसमें और अच्छे से पिक्चराइजेशन करा हुआ है। टॉप रेल हो गई, बॉटम रेल हो गई, लॉक रेल हो गई, और लॉक स्टील हो गई, और ये हिंज स्टील हो गई, ठीक। फिर कैसिंग कैसिंग डोर फ्रेम में हम ये भी देख सकते हैं, ये कैसिंग्स हो गई, ये हिंजेस हो गए, ये थ्रेशोल्ड हो गया, ये पैनल्स हो गई, ठीक है, ये पैनल्स हो गए। ये इस तरह से हम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज आप क्लियर हो जाएगा कि हिंजेस किसको बोलते हैं, कैसिंग किसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ डोर की बात करूंगा मैं, बैटेंड एंड लेग डोर हो गया, बैटेंड एंड लेग एंड बेस डोर हो गया, बैटेंड एंड लेग बेस डोर फ्रेम डोर हो गया, पैनल डोर्स हो गए, 6 पैनल डोर्स हो गए, पैनल ग्लास डोर्स हो गए, सॉलिड कोर टाइप प्लस प्लस डोर हो गए, प्लाईवुड प्रूफ डोर हो गए, स्विंग डोर्स हो गए। बैटेंड डोर की बात की जाए तो बैटेंड डोर की जो डेफिनेशन ये कहती है, बैटेंड एंड लेस्ड डोर पिक्चर इज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डोर कॉमनली यूज फॉर ओपनिंग, ठीक है। ये बैटेंड डोर सबसे इजिएस्ट फॉर्म ऑफ डोर होता है जो हम लोग ओपनिंग में यूज करते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, ये फ्रेम रहेगी, ये डोर रहेगा और ये ब्रिक वॉल। तो फ्रेम अटैच रहेगी आपकी ब्रिक वॉल से और इससे कनेक्शन इसका रहेगा। तो बैटेंड डोर सबसे बेसिकली कंस्ट्रक्शन होते हैं और इसके अंदर फ्रेम रहेगी, टॉप लेज रहेगा, बॉटम लेज रहेगा, थिकनेस लगभग 30 mm की रहेगी इसकी। फिर अब अगला आगे बैटेंड लेज ब्रेस डोर, ये लेजिंग रहती है। बेसिकली लेजिंग इसलिए रहती है ताकि अगर आपको जहाँ पर एयर प्रेशर वगैरह आ रहा हो तो वहाँ पर इस टाइप के आप डोर यूज करें ताकि उसमें दरवाजा जो बीच में से बेंड ना हो, ये क्रैक ना हो। ये बैटेंड लेज ब्रेस डोर फ्रेम डोर हो गई, उसी का एक पार्ट हो गया डिफरेंट डिजाइन में। ये पैनल डोर, ये पैनल इस टाइप के होते हैं। ये बेसिकली हम सिंगल पैनल, ये एक पैनल हो गया, ये 2 पैनल्स हो गए, ये 3 पैनल्स हो गए, ये 4 पैनल हो गए, ये 5 ऐसे 6, ये नंबर ऑफ पैनल डोर्स होते हैं। और पैनल डोर्स जो रहते हैं ये डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं। 6 पैनल डोर में कुछ कंपोनेंट्स देखिए इसके, आप ये फ्रेम हो गया, बॉटम रेल हो गई, पैनल्स हो गए, फ्रीज रेल हो गए, रॉक रेल हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं इसके। पैनल ग्लास डोर्स हो गए, अगर पैनल फ्रेम डोर के अंदर अगर हम लोग ग्लास लगा देंगे और नीचे प्लाईवुड लगा देंगे, वुडन सेक्शन लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पैनल एंड ग्लेज्ड डोर सिस्टम।
सॉलिड कोर टाइप प्लस, ये फुल जो रहेगा ये आपका रहेगा सॉफ्ट वुड स्ट्रिप और लेमिनेटेड कोर पीस ये, ठीक है। ये वाला पार्ट जो रहेगा सॉफ्ट वुड का रहेगा और ये हार्ड वुड का रहेगा, इसको बोल सकता हूँ मैं प्लाई वुड बोल सकता हूँ या फिर जो भी डायरेक्ट वुड है, तो उस टाइप के जो डोर्स होते हैं वो आते हैं सॉलिड कोर टाइप ऑफ प्लस डोर्स में, ठीक। सॉलिड कोर टाइप प्लस डोर्स में ये को पैटर्न है प्लाई प्रूफ, ये बेसिकली हम लोग मच्छी जाली इसको बोलते हैं, हम लोग वहाँ पे मॉस्किटो के लिए लगाते हैं, तो इसमें फ्रेम्स हो गई। दिस टाइप ऑफ डोर इज यूज टू चेक द एंट्री ऑफ फ्लीज, ठीक है। जैसे मैंने बोला था आपको अभी कि मच्छर वगैरह के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और उसमें सर्कुलेशन भी रहता है, सर्कुलेशन भी होता है। द डोर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्लिट्स एंड काउंटर रेल्स एंड द ओपनिंग ऑफ द पैनल आर फिटेड विद अ फाइन मेश गॉज, ठीक है। जी आई की रहते हैं इसमें ये आप एस एस के भी लगा सकती, जाली लगा सकते हैं आप लोग। स्विंग डोर्स हो गए, स्विंग डोर्स बेसिकली हम लोग बाथरूम्स वगैरह में यूज़ करते हैं और बहुत सारी ऐसी जगह पब्लिक प्लेसेज में यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको आने जाने का काम ज़्यादा रहता हो, वहाँ पर आपको डोर्स बंद ना करना पड़े। थैंक यू।